반 띵띵 띵나리 돈 바이야 갓도서 깨야 갓도서 꼼들란나 외루대야시 नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सर्वप्रथम मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक गाना आपको सुना देता हूं। वो गाना का बोल इस प्रकार है कि धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। बहुत ही सुंदर गाना है और बहुत ही आकर्षक गाना है। एक समय ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ है और उसी बेस के तहत में हर इंसान किसी न किसी स्त्री के साथ में प्यार कर बैठती है, किसी न किसी लड़की से प्यार कर लेते हैं, या कोई स्त्री अगर है तो किसी न किसी आदमी से प्यार कर लेते हैं, किसी पुरुष से प्यार कर लेते हैं। लेकिन आपका प्यार भरे जिंदगी में अगर आपको धोखा मिल जाए, प्यार आपको छोड़ करके चले जाए, स्त्री आपको छोड़ करके अपने मायके में चली जाए, अगर आप शादीशुदा है, अगर स्त्री आपको मायके में छोड़ करके चली गई, उसके बाद आपके पास आना नहीं चाहती है, जिससे आप प्यार करते हैं आपका प्यार को ठुकरा करके चली जाती है, आपको धोखा दे करके चली जाती है, तब क्या करते हैं, इंसान पूरी तरह से व्याकुल हो जाते हैं। इंसान के जिंदगी नर्क जैसा बन जाता है और इंसान पूरी तरह से परेशान रहते प्यार को पाने के लिए, और वो प्यार जो है आपको वापस नहीं आ पाती है। तब एकमात्र सहारा बचता है, वो सहारा है तंत्र मंत्र टोने टोटके। वो तंत्र मंत्र टोने टोटके के शक्ति के द्वारा आप किसी भी इंसान का प्यार को आप पा सकते हैं, किसी भी स्त्री का प्यार को पा सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि चावल बनाते समय में ये चीज उसमें डाल दे, स्त्री आपके पागली की तरह आपका प्यार में तड़पेगी, स्त्री पागलों की तरह आपका प्यार में तड़पेगी, वो आपके बिना नहीं रह पाएगी, बेचैन रहेगी, रात दिन आपका प्यार में खोई नहीं रहेगी। चाहे वो प्यार आपको कितनों भी दूर चली गई, आपको किसी भी तरह से आपका नाम तक सुनना नहीं चाहती है, वो आपका प्यार में तड़पने लगेगी, आपके कदमों में आकर के गिरेगी। आखिर इसको चावल के में क्या चीज डाल देना है ताकि जो है कि पूरी तरह से शक्तिशाली वशीकरण हो और स्त्री को आप अपने प्यार में दीवाना बना सकते हैं, स्त्री को अपने प्यार में पागल बना सकते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी शक्ति मैं बताने जा रहा हूं। मित्रों, आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे, वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए आप देखें तो आपका पूरी तरह से उसकी विषय पर मैं विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं कि ये टोटके को कैसे करना है ताकि आपको प्यार वापस मिल जाए और आपका प्यार पूरी तरह से पूर्ण रूप से आपसे मिल करके खुश हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखें ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर में सदा के लिए बनी रहे, मैं माता से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, वशीकरण का बहुत तरह तरह का टोटके आप अजमाते आ रहे हैं। आज मैं बहुत ही सोच समझ करके एक ऐसी यूनिक, एक ऐसी सही और आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस तरीका इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है, इसको अगर आप कर देते हैं तो आप किसी भी मनचाही स्त्री का प्यार को पा सकते हैं। अगर आप एक महिला है तो आप एक पुरुष का प्यार को पा सकते हैं, आप अपने पति का प्यार को पा सकते हैं, आप अपनी बॉयफ्रेंड की प्यार को पा सकते हैं, ये छोटा सा क्रिया से। लेकिन इस क्रिया को किसी को बिना बताए हुए आपको करना है और इस क्रिया को सपने में भी किसी को बताना नहीं है। और इस क्रिया को तभी करें अगर आप किसी को अपना जीवन साथी मानते हैं या किसी को आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तभी इस क्रिया को करिएगा तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपका जिंदगी खुशहाल रहेगा, आपका प्रेम से भरा हुआ जिंदगी रहेगा, आपका प्यार को कोई तोड़ नहीं सकता है, आपका प्यार को कोई छीन नहीं सकता है। इस क्रिया को अगर आप कर देते हैं तो इस क्रिया को आप भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में पति पत्नी में हमेशा अनबन है, पति पत्नी में प्यार नहीं है, तब भी इस क्रिया को आप कर सकते हैं तो आपस में प्यार कायम रहेगा, घर में
सुख शांति की वातावरण बनी रहेगी। तो मित्रों करना क्या है, आपको करना यह है इस क्रिया को शनिवार के दिन इस क्रिया को करना है। शनिवार के दिन इस क्रिया को क्या करना है, करते समय जो भी क्रिया आप करते हैं तो मन में आस्था विश्वास और पवित्रता को रख कर ही आप इस क्रिया को कीजिएगा, तभी जाकर के इस क्रिया होगी। क्योंकि प्रकृति का क्रिया है, प्रकृति के शक्ति उसके अंदर में है, इसीलिए इस क्रिया को आप कर सकते हैं। तो मित्रों करना यही है कि आपको शनिवार के दिन दिन लेना होगा 2 पीस लहसुन का कली छिलका समेत, उसमें छिलका रहना चाहिए, बिना छिलका का नहीं, छिलका समेत 2 पीस लहसुन का कली लीजिएगा और दोनों पीस लहसुन का कली शनिवार को लेकर के और हाथ में जो है उसको रख करके कम से कम 2 मिनट तक उस स्त्री का ध्यान मन मन में करिएगा और इसको दिल में इसे हाथ को रख करके आप मन मन में उसका याद करिएगा कि तुम मेरे पास जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकता। ये बात को 2 मिनट तक मन मन में बोल करके बेड में ही आपको एक लाल रंग का मार्कर कलम से आपको करना क्या है कि लहसुन का एक तरफ में उस खोया हुआ प्यार उस स्त्री का नाम लिखना है और दूसरे तरफ जो है आप अपना नाम लिखिएगा, दोनों लहसुन का कली में नाम लिखना है आपका भी और उसका भी लिखना है। लिखने के बाद में आप तकिए के नीचे रख करके आप उसको सो जाइए, रात भर सो जाइए उसकी याद में। सो जाने के बाद में सुबह सुबह जब आपकी नींद खुलती है तो उस लहसुन को लेकर के आपको नहा धो करके आपको पवित्र मन से हाथ में रख करके पूजा स्थान में बैठ करके बोलिएगा अमुकी इमाम अवश्यम वश्यम कुरकुरी स्वाहा, अमुकी इमाम अवश्यम वश्यम कुरकुरी स्वाहा, अमुकी इमाम अवश्यम वश्यम कुरकुरी स्वाहा। इसको जो है आप 7 बार बोल दीजिएगा मन मन में। बोलने के बाद में आपको क्या करना है, आपके घर में चावल बनती है, चावल पकती है, आपको जिस समय में चावल बनाया जाता है आपको देखिएगा घर में चावल जब खोलती है, खोलता हुआ चावल में आपको दोनों लहसुन का कली को उसमें डाल देना है। डाल देने के बाद में आपको करना क्या है, जब चावल बन के रेडी हो जाए तो उस लहसुन को फिर से आप खोज लीजिएगा और खोज करके उसको आपको एक ठो अकवे का पौधा या अकवन का पौधे के पत्ते में उसको लपेट करके दोपहर के समय में कम से कम 2 से 3 बजे दोपहर के समय में ले जा करके चौराहा पर छोड़ करके आ जाना है। बस इतना क्रिया करिएगा 24 घंटे के अंदर में वो प्यार आपके पास में आएगी, वो खोया हुआ प्यार आपके पैर में आकर गिरेगी, आपसे प्यार करने के लिए तड़पने लगेगी और जिंदगी भर आपका गुलामी करेगी, आपका प्यार को पाने के लिए पागलों की तरह तड़पेगी। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप जरूर करें इसी आशा उम्मीद के साथ। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता रानी।